अच्छा, एक यजीद की तरफ से एक कमांडर इमाम हुसैन की तरफ आ गया था, उसका नाम इमाम हुसैन। एक अपनी बेटी को मदीने छोड़ के आए थे, उसका नाम पता है? इनके लिए, भाईचारे के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इमाम हुसैन के साथ 4 साल की बेटी करबला आई थी, उसका नाम क्या? जनाबे संगीना। अच्छा, इमाम हुसैन एक अपनी बेटी को मदीने छोड़ के आए थे, उसका नाम पता है? जनाबे सुगरा। जनाबे सुगरा, बहुत अच्छा। अच्छा, एक यजीद की तरफ से एक कमांडर इमाम हुसैन की तरफ आ गया था, उसका नाम कुछ पता है? जनाबे हुर। जनाबे हुर, ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप जो है ये आज़ादारी करते हैं, इससे हमें क्या मिलता है? आप लोगों को क्या क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम पैगाम देना चाहते हैं कि इस के जाओ उन पर ज़ुल्म हुआ कि दुनिया उसे जाने के करबला में क्या हुआ था और क्या नहीं, हमारी आज़ादारी से पता लगे। यानी इंसानियत का पैगाम, इंसानियत का पैगाम देना चाहते हैं कि अपना, हम अल्लाह अकबर कहकर किसी का गला काटना इस्लाम नहीं समझते, या हुसैन कहकर अपना खून देना इस्लाम समझते हैं। बहुत अच्छा है। अच्छा, भाईचारे के लिए, जैसे हिंदू मुस्लिम भाईचारा, क्योंकि आप ऐसी सरजमीन पर रहते हैं जहाँ हर धर्म का इंसान रहता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इनके लिए भाईचारे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इमाम, हम इस देश के लिए मरते दम तक इस देश के रहेंगे, क्योंकि हमारे इमाम हुसैन की तमन्ना थी हिंदुस्तान आना, इसलिए। चलिए, बहुत अच्छा है। जनता वनता को ऐसे ही आप प्यार और सपोर्ट करते रहिए, आपको ऐसे ही मैसेज मिलते रहेंगे, भाईचारा आपको दिखता रहेगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लव यू ऑल।